नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे नेता की जिसके घर में 351 करोड़ मिलते हैं। वह नेता है धीरज साहू, जिनका कारोबार है शराब का। झारखंड और उड़ीसा में ज्यादातर शराब कंपनियां धीरज साहू के परिवार की हैं। इसके अलावा धीरज साहू के कई अन्य बिजनेस भी हैं। तो कंपनी के एक वेबसाइट के मुताबिक साहू परिवार का करीब 125 साल से शराब कारोबार में वर्चस्व है, और यही है शराब कारोबार, यही शराब का फैक्ट्री है जो धीरज साहू का है। साहू ग्रुप पर टैक्स चोरी का आरोप है, और इसी कड़ी में साहू ग्रुप के ठिकानों में आयकर की टीम ने रेड डाली थी। अलमारियों में ढूंस ढूंस कर नोटों की गड्डियां निकलने लगी, जिससे आयकर विभाग की टीम भी हैरान हो गई। आयकर विभाग की ये दबिश तुरंत सुर्खियों में आ गई, क्योंकि इस छापे में राजनीतिक कनेक्शन था। ये छापेमारी कांग्रेसी राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों पर चल रही थी। दरअसल धीरज साहू के जुड़े ठिकानों पर 6 दिसंबर से आईटी की कार्रवाई शुरू हुई थी। इस छापेमारी कुल 351 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसे अब तक की सबसे ज्यादा केस बरामदगी तौर पर देखी जा रही है। ये कार्रवाई शराब से जुड़े कारोबार में टैक्स चोरी की आशंका में शुरू हुई थी, जिसमें आयकर विभाग ने टैक्स चोरी के आरोप में शराब कारोबार से जुड़ी कंपनी समूह के ठिकानों पर छापेमारी शुरू किए थे, जिसमें बोध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड, बलदेव साहू इंफ्रा लिमिटेड, क्वालिटी बॉटलर्स और किशोर प्रसाद विजय प्रसाद बिब्रेज लिमिटेड नाम की कंपनियां शामिल हैं। तो साहू परिवार की क्या क्या है बिजनेस? कांग्रेसी सांसद साहू धीरज प्रसाद साहू का परिवार शराब कारोबार से जुड़ा हुआ है। बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज मूल रूप से झारखंड के लोहरदगा जिले की है। इस कंपनी ने 40 साल पहले ओडिशा में देसी शराब बनाना शुरू की थी। कंपनी की बोध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड BDPL की साझेदारी फर्म है। इस कंपनी के बलदेव साहू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, क्वालिटी पोर्टलर्स प्राइवेट लिमिटेड और किशोर प्रसाद विजय प्रसाद बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड भी है। इसमें बलदेव साहू इंफ्रा फ्लाय एस ईंटों का काम करती है, बाकी कंपनियां शराब कारोबार से जुड़ी हुई हैं। इनकी टैक्स चोरी के शक में जांच एजेंसियों ने झारखंड के रांची और लोहरदगा के अलावा उड़ीसा के बलांगीर, संबलपुर, रायडी इलाकों में कार्रवाई शुरू की थी। बता दें, झारखंड और उड़ीसा में ज्यादातर शराब कंपनियां धीरज साहू के परिवार की है। इसके अलावा धीरज साहू के कई अन्य बिजनेस भी हैं। रांची के मशहूर सफायर इंटरनेशनल स्कूल और हॉस्पिटल भी इनके परिवार द्वारा चलाया जाता है। ये देखिए किस तरह से अलमारियों में ठूस ठूस के पैसा भरा हुआ है, चारों तरफ पैसा ही पैसा। 500 का नोट चारों तरफ आपको दिखेगा, 200 का नोट भी दिखेगा। तो शराब कारोबार के अलावा भी इनके और भी बिजनेस है। साहू परिवार के बोध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड BDPL एक ग्रुप है, जिसके अंदर कई कंपनियां हैं। BDPL ग्रुप का मुख्यालय उड़ीसा में है। इस ग्रुप की चार अलग अलग कंपनियां 6 व्यवसाय में लगी हुई है। BDPL समूह की हर कंपनियां निदेशक मंडल के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के तहत स्वतंत्र रूप से काम करती है। कंपनियों में बोध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड ENA, CO2, DDGS, बलदेव साहू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, फ्लाई एस ब्रिक्स, क्वालिटी बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड जिसे IMFL बॉटलिंग, और किशोर प्रसाद विजय प्रसाद ब्रायब्रेज प्राइवेट लिमिटेड IMF ब्रांडों की बिक्री और विपणन शामिल है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक साहू करीब परिवार का करीब 125 साल से शराब कारोबार में वर्चस्व है, और झारखंड और उड़ीसा में अधिकतर साहू परिवार की शराब फैक्ट्रियां हैं और रिटेल शॉप भी इन्हीं के नाम पर है। कंपनी का कहना है कि महुआ शराब को बेहतर तरीके से बाजार में पहुंचाने का काम भी करती है। कंपनी के इस पहल से झारखंड और उड़ीसा के ग्रामीण इलाकों में लोगों की आमदनी बढ़ी है। आइए बात करते हैं धीरज प्रसाद साहू का राजनीतिक सफर। दरअसल धीरज प्रसाद साहू राजनीति में भी बड़ा नाम है। धीरज साहू तीसरी बार राज्यसभा सांसद बने हैं। इसके अलावा वे चतरा लोकसभा सीट से भी 2 बार कांग्रेस की टिकट चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली। पहली बार धीरज साहू साल 2009 में हुए उपचुनाव में राज्यसभा सांसद बने थे। उसके बाद फिर 2010 में, दूसरी बार 2018 में, तीसरी बार राज्यसभा पहुंचे। अगर घोषित संपत्ति को बात करें तो 2018 में राज्यसभा चुनाव के दौरान
धीरज प्रसाद साहू ने जो शपथ पत्र चुनाव आयोग को दिया था उसमें अपनी संपत्ति 34 करोड़ रुपए बताई थी। उन्होंने खुद पर 2.36 करोड़ रुपए का कर्ज भी घोषित किया था, जबकि वित्त वर्ष 2016-17 के इनकम टैक्स रिटर्न में उन्होंने अपनी आमदनी 1 करोड़ रुपए से अधिक बताई थी। हलफनामे के अनुसार उनके पास एक रेंज रोवर, एक फॉर्चूनर, एक BMW और एक पोजेरो कार है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से उनका ये नोट का गड्डी शामिल है। अब धीरज साहू के परिवार को बात करें तो इनके परिवार में कौन कौन है ये भी समझ लेते हैं। तो एक वेबसाइट के हिसाब से जो ये अब तक इनकी उम्र बताई जा रही है 64 साल है, और इनकी कुल संपत्ति बताई जा रही है जो डिक्लेयर किए थे $4 मिलियन का है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, 23 नवंबर 1959 को झारखंड के लोहरदगा में हुआ था। तो ये है धीरज साहू और ये इनका परिवार, इनका घर आप देख रहे हैं। तो एजेंसी के अंतिम कुर्की आदेश जारी करके 6 महीने के भीतर इनको जो है कुर्की भीतर की है, यह सुनिश्चित करता है कि आरोपी जब्त की गई नकदी लाभ नहीं उठा सका। खासतौर से एजेंसी केवल 180 दिनों तक नकदी अपने पास रख सकता है, उसी दौरान एजेंसी की जब्ती की वैधता साबित करनी पड़ती है। अगर एजेंसी ऐसा करने में विफल रहती है तो पैसा ऑटोमेटिक आरोपी को वापस मिल जाता है। पैसा का उपयोग कैसे किया जाएगा ये मामले पर निर्भर करता है। अगर अभिव्यक्ति बरी होता है तो नकदी वापस कर दी जाती है, वरना दोषी पाए जाने पर पैसा सरकार की संपत्ति बन जाती है। तो ये पैसा जो है अब इनको मिलने वाला नहीं है, 300 करोड़ का इनको हिसाब देना होगा तभी ये पैसा इनको मिलेगा। और जाहिर सी बात है 300 करोड़ का हिसाब देना बहुत मुश्किल बात हो जाएगा। लोग हिसाब दे सकता है 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ का, 50 करोड़, लेकिन 300 करोड़ केस का हिसाब देना बहुत डिफिकल्ट बात होता है। तो ये 351 करोड़ सरकार के हाथ में, सरकार के अकाउंट में चला जाएगा। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।